और अब सीधा रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं एयर ऑक्शन में। जी हाँ, माफ कीजिएगा, एयर शो में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां तमाम विमानों की प्रदर्शनी लगाई गई और इसके साथ ही इस एयर शो में कई विमान हिस्सा बनने जा रहे हैं। जरूरत है, सरकार कोशिश ये कर रही है कि जो मिग के स्क्वाड्रन है उनको तेजस के जरिए, देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके साथ ही तमाम एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा ले रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये इसरो की प्रदर्शनी दिखाई दे रही है, पीएसएलवी, एसएलवी, तमाम तरह के लॉन्चिंग के बारे में जानकारी दी जा रही है, खासकर क्रायोजेनिक इंजन के बारे में जिसमें भारत ने महारत हासिल कर दी है। इसके तहत भारत ने लगभग 104 से लेकर 110 सैटेलाइट एक साथ भेजे, पीएसएलवी, जीएसएलवी, तमाम कक्षाओं में जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तमाम तरह के व्हीकल्स दिखाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बड़ी प्रदर्शनी है जहां भारत की विज्ञान और तकनीकी का परचम दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री, माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। इस वक्त एयरपोर्ट एयर फोर्स के ऑफिसर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्चुअल फॉर्म में तमाम जानकारी बता रहे हैं। पीएम मोदी बेंगलुरु से लाइव, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के अधिकारियों, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एयर शो में पहुंचे हैं, जहां वो पहले प्रदर्शनी का जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्हें भारत की तकनीकी से, तमाम नवाचारों से ऑफिसर्स अवगत करा रहे हैं, आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में, इस प्रदर्शनी में मॉडल के तौर पर रखे गए विमानों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। बेंगलुरु के लिए आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि यहां पर एयर शो आयोजित होने वाला है और इसमें शिरकत करने वाले हैं तमाम भारतीय वायुसेना के विमान के साथ ही अन्य देशों के भी विमान इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे और यहां देश के साथ ही विदेश से भी तमाम लोगों का जमावड़ा लगा है।